इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से। लखनऊ से इस वक्त बड़ी खबर, जहां बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक आज दिल्ली में होनी है। लखनऊ से इस बीच बड़ी खबर, इस बार 40 से 45% सांसदों के टिकट कट सकते हैं। तो आपको बताते चले कि 40 से 45% सांसदों के टिकट कट सकते हैं। इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर, वाराणसी सीट पर हो सकता है उम्मीदवार का ऐलान। तो लखनऊ से इस बीच बड़ी खबर आपको बताते चले, यूपी बीजेपी कोर कमेटी की दिल्ली में आज बैठक, एमएलसी के नामों पर होगा मंथन, आज तय हो जाएगा एमएलसी नामों का पैनल। इन नामों के पैनल को केंद्रीय नेतृत्व में भेज दिया जाएगा। लखनऊ से इस बीच बड़ी खबर आपको बताते चले कि इस बार 40 से 45% सांसदों के टिकट कट सकते हैं। अगले 48 घंटे में हो सकता है प्रत्याशियों का ऐलान, लोकसभा सीटों पर हो सकती है उम्मीदवारों की घोषणा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिवाकर पांडे हमसे जुड़ चुके हैं। दिवाकर, आज बीजेपी की कोर कमेटी बैठक होनी है जिसमें कई अहम फैसले होने हैं, क्या कुछ जानकारी आ रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश बीजेपी की कोर कमेटी की आज दिल्ली में एक बड़ी बैठक होने जा रही है और उसमें जो है, जो उत्तर प्रदेश में एमएलसी का चुनाव होने जा रहा है, उनके नामों पर विचार होगा कि किन किन कार्यकर्ताओं को इसमें मौका दिया जाए। तो एक एक बड़ी बैठक हो रही है और आज जब एमएलसी के उम्मीदवारों का नाम तय होगा, उसके बाद वो नामों का पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा और केंद्रीय नेतृत्व इसका निर्णय करेगा कि किस उम्मीदवार को एमएलसी का चुनाव लड़ाया जाए। साथ ही साथ, चूंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 80 की 80 लोकसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है, तो उसको लेकर के भी आज बड़ी बैठक में विचार होगा और उम्मीदवारों के नाम पर जो है आज चर्चा की जाएगी कि किन उम्मीदवारों को मौका दिया जाना चाहिए। इसी बीच ये भी जानकारी सूत्रों से निकल के आ रही है कि आने वाले 48 घंटे में या 2 दिनों के अंदर जो लोकसभा की सीटें पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई थी, उन पर जो है उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि वाराणसी सीट को भी लेकर के, जहां से खुद प्रधानमंत्री सांसद हैं, उस पर भी जो है उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो सकता है। साथ ही साथ जो 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में नहीं जीत पाई थी, उस पर भी 1-2 दिन में आने वाले समय में लिस्ट जारी हो सकती है। तो इसको लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तो दिल्ली में विचार विमर्श करेगा और उसके बाद आने वाले समय में लिस्ट जारी होगी। दिवाकर, जानकारी ये भी मिल रही है कि इस बार 40 से 45% सांसदों की टिकट भी कट सकते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जब कोई चुनाव लड़ती है तो उसके लिए वो कहीं ना कहीं एक रणनीति के तहत काम करती है और चूंकि पार्टी ने कई स्तर पर सर्वे भी कराया है कि किन सांसदों ने जो है क्षेत्र में बेहतर काम किया है, किन सांसदों ने बेहतर काम नहीं किया है, तो उसको लेकर के ये जानकारी सूत्रों से मिल रही है कि 40 से 45% सांसदों के टिकट भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव में काट सकती है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो युवा प्रत्याशी होंगे, जो क्षेत्र में ज्यादा एक्टिव रहते हैं, उनको जो है पार्टी इस बार मौका दे सकती है, ऐसा फिलहाल कहा जा रहा है। लेकिन असलियत क्या होगी ये तो जब लिस्ट आएगी तभी पता चलेगा, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी निकल के सामने आ रही है, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की जब इस बार सूची जारी होगी तो उसमें कई चौंकाने वाले नाम भी देखे जा सकते हैं। जी दिवाकर, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बताते चले लखनऊ से इस बीच बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि आज दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होनी है, लोकसभा सीटों पर हो सकती है उम्मीदवारों की घोषणा, वही वाराणसी सीट पर भी हो सकता है उम्मीदवार का ऐलान, वही हारी हुई सीटों पर हो सकती है उम्मीदवारों की घोषणा।